दोस्तों, जब कभी हम पौराणिक या धार्मिक कथाओं को सुनते हैं या देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि विभिन्न कथाएं अलग अलग युगों या समय की कहानियों को प्रदर्शित करती हैं, जिससे हमारे मन में ये विचार जरूर आता है कि आखिर ये युग होते कितने हैं और इन अलग अलग युगों में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होता होगा। साथ ही मन में ये प्रश्न भी जरूर आता होगा कि हम किस युग में जी रहे हैं और इसके बाद कौन सा युग आएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में अपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस युग में आज हम जी रहे हैं उसे कलयुग नाम दिया गया है और इसके बीतने के बाद सतयुग में हमारा प्रवेश होगा। पर ऐसे क्या लक्षण होंगे जो सतयुग को कलयुग से भिन्न बनाएंगे? ये बताने से पहले हम आपको सभी युगों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। प्रकृति की जीवन शैली में जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, वैसे ही युगों में भी परिवर्तन होते रहता है। अभी हम युगों के 22वें चक्र में हैं। इसी के आधार पर हमारे धर्म ग्रंथों में चार प्रकार के युग बताए गए हैं, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हैं, जिनमें से सतयुग सबसे पहला और बड़ा युग माना जाता है। इसकी आयु 17,28,000 वर्ष तक होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,00,000 वर्ष तक और लंबाई 32 फीट तक की होती थी। भगवान के नरसिंह और वराह अवतार की कथाएं सतयुग के समय की ही मानी जाती हैं। इस युग में अधिकतर रत्न और स्वर्ण से बने सामानों का ही प्रयोग होता था। इसके बाद आता है त्रेता युग, जो कि दूसरा सबसे बड़ा युग है। इसकी अवधि 12,96,000 वर्षों तक बताई गई है। सतयुग की अपेक्षा त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई कम हो गई थी, जो कि लगभग 21 फीट तक की ही रह गई थी। दोस्तों, इस युग में ही भगवान राम ने रावण का वध किया था और इस युग में चांदी के पात्र भी उपयोग में आने लगे थे। अब तीसरे स्थान पर आता है द्वापर युग, जो कि सतयुग और त्रेता युग दोनों से ही छोटा है। इस युग का समय लगभग 8,64,000 वर्ष था। मनुष्य की लंबाई भी घटकर 11 फीट की रह गई थी। इस युग में भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने आखिरी और छोटे युग में, जिसका नाम है कलयुग। कलयुग की आयु लगभग 4,32,000 साल की है। कलयुग की शुरुआत 5 ग्रहों मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि जब मेष राशि पर एक ही पंक्ति पर आ गए थे, तब से मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये घटना 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। तभी से कलयुग की शुरुआत भी मानी जाती है। माना जाता है कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, जिसके केवल 5121 वर्ष ही बीते हैं। विष्णु जी ने एक कथा में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा था कि जब कलयुग आएगा तो दुनिया में पाप बढ़ने लगेगा। इसकी शुरुआत स्त्री के सुंदर केशों से होगी। जिन केशों या बालों को स्त्री अपना आभूषण मान के सजाती सवारती है, कलयुग में स्त्रियां इन्हीं सुंदर केशों को कटवाना शुरू कर देंगी और किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। सभी स्त्री और पुरुष आंतरिक सुंदरता और शांति की बजाय बाहरी सुंदरता को महत्व देंगे। फिर इसके बाद जब हर घर में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, लोग अपने ही घरों में अपनों के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। फिर जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उसी दिन समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। फिर इसके बाद शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग तीनों देवताओं पर हावी हो जाएगा, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और नए युग की शुरुआत कर देंगे। शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार कलयुग में केवल धन कमाने के लिए व्यक्ति विद्या का अभ्यास करेंगे, सभी अपने शरीर को ही श्रेष्ठता देंगे और उसे ही अपनी आत्मा समझेंगे। धन की बहुत कमी हो जाएगी और हर व्यक्ति दूसरे के धन को हड़प लेने के बारे में सोचेगा। अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर दूसरी जाति के कर्मों में लीन रहेंगे, जिससे सभी कुलों का नाश होगा। संतान भी अपने माता पिता से बैर भाव रखेगी। कलयुग की स्त्रियां भी प्रायः आचरण से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। स्त्रियों को किसी का भी भय नहीं रहेगा, साथ ही वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर व्यसनों में पड़ जाएंगे। उनमें वीरता का अभाव रहेगा, वो अपने कर्म धर्म छोड़कर व्यर्थ घूमेंगे। दोस्तों, ब्रह्मा पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष की रह जाएगी।
कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही नदियां सूखती जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देंगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में वृद्धि होगी। जो लोग ताकतवर होंगे केवल उन्हीं का राज चलेगा। मनुष्य पूजा पाठ व्रत उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देगा। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने ही घर में शोषण होगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। हर जगह केवल झूठ और बेईमानी का ही बोलबाला होगा। फिर जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तभी भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु विष्णुयशा नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और फिर देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर तीर कमान धारण किए हुए अपनी चमकती हुई तलवार के साथ युद्ध करने और पापियों पर विजय के लिए निकलेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु कलयुग का अंत कर सतयुग का प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों को तो आप जानते ही होंगे, तो क्या आपको पता है कि कल्कि अवतार विष्णु जी का कौन से नंबर या क्रम का अवतार है? यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस प्रकार अलग अलग धर्म ग्रंथों में कलयुग का वर्णन भी विभिन्न प्रकार से मिलता है, परंतु उन सब में बहुत सी समानताएं भी मिलती हैं। अभी हम कलयुग के प्रारंभ में जी रहे हैं और पुराणों में वर्णित घटनाओं में से बहुत सी सही साबित हो रही हैं। तो सोचिए, जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तो उस समय कितनी भयावह स्थिति होगी। परंतु ये रीत तो हमेशा से चली आई है कि घनघोर रात्रि के बाद ही सुबह का सफेद उजाला होता है, तो ऐसे ही कलयुग के घनघोर अंधेरे के गुजर जाने के बाद ही हमें सतयुग का उजाला प्राप्त होगा। सतयुग की अवधि तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस युग में पृथ्वी लोक पर फिर से चारों तरफ धार्मिक क्रियाएं होंगी। हर तरफ धर्म का ही बोलबाला होगा। बुराई क्रमशः घटती जाएगी और भलाई बढ़ती जाएगी। सभी व्यक्तियों के मन में शुभ संकल्पों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। बुरे कर्म करने वाले भी धर्म की महत्ता को समझेंगे और सत्य को स्थापित करेंगे। दूसरों को अच्छे कर्म करता देख अन्य व्यक्ति भी उसकी प्रशंसा करेंगे और उसके साथ अच्छे कर्मों में लीन रहेंगे। घर और कमरे सभी जगह आदर्श चित्र आदर्श वाक्य लिखे मिलेंगे। मनुष्य भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। इस युग के लोगों का अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा। सतयुग के प्रारंभ में तो केवल व्यक्ति के मन में सुधार होगा। वचन और कर्म तो पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे मन और वचन दोनों में सत्यता प्रकट होगी। अब केवल मन ही सत्य के प्रति आदर नहीं होगा, बल्कि वाणी से भी प्रशंसा होने लगेगी। खुलेआम अच्छे कर्म करने वालों की प्रशंसा की जाएगी। विनय नम्रता और मधुरता लिए हुए बातें करने का प्रचलन बढ़ेगा। अब चालाकी की बातें करने वाले बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख समझे जाएंगे और उन्हें दुत्कारा भी जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी लोक में जब सतयुग उतरेगा तो कुछ अलग प्रकार के ही दृश्य हमें दिखाई देंगे। मनुष्य जीवन की सभी आवश्यकताएं जब सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगी तो वो झूठ के विरोध में हो जाएगा और इसीलिए सभी को सत्य का मार्ग ग्रहण करना होगा। अपने हित की अपेक्षा जब दूसरे के हित को अधिक न्याय में रखने की सोच बन जाएगी तब ऐसे सतयुग का प्रकाश और बढ़ता जाएगा। अवृद्ध लोग भी स्वयं को सुखी महसूस करने लगेंगे। ऐसी स्त्रियां भी बहुत देखने को मिलेंगी जो अपने पति और पुत्र के लिए आत्म त्याग करेंगी और पुरुषों के कठोर होते हुए भी दान धर्म में श्रद्धा रखेंगी, जिससे वे पुरुषों की अपेक्षा जल्दी सतयुगी बन जाएंगी। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सतयुग को आने में अभी बहुत लंबा समय है, तो क्यों न हम अपने कलयुग के इस जीवन में इस तरह कार्य करें कि सतयुग के जैसे ही हमें आनंद की अनुभूति हो और भाईचारे व सद्भावना का विकास हो। ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि जो लोग कलयुग में धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग के समान सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए अगर हम चाहें तो अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।